अस्सलाम वालेकुम। पहली वीडियो में हमने गुफ्तगू की थी गिनती के बारे में, जमा या एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन या तफरीक के अमल के बारे में। तो सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं गिनती से कि गिनती क्या है और गिनती देने के बच्चे के को किन किन चीज़ों की तैयारी की ज़रूरत है, उसके लवाजमात क्या हैं। गिनती के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो नंबर्स हैं। नंबर क्या होता है? किसी मकदार के साइज़ को ज़ाहिर करने के लिए नंबर इस्तेमाल किया जाता है, यानी मकदार का जो साइज़ है वो नंबर है। जैसे दो हाथ, गाड़ी के चार पहिए, हफ्ते के सात दिन, वगैरह वगैरह। अब ये सवाल पैदा होता है कि मकदार क्या चीज़ है। देखिए, जब एक जैसी चीज़ें इकट्ठी हों तो उस इकट्ठ को या कलेक्शन को मकदार कहते हैं। जैसे मेरे पास इस पैकेट में मोटरसाइकिल्स हैं, ये एक मकदार है, ये भी एक मकदार है, ये भी एक मकदार है, ये भी एक मकदार है मोटरसाइकिल्स की, और ये भी मोटरसाइकिल्स की एक मकदार है। सबसे पहली एक्टिविटी में हम ज़्यादा और कम के अल्फाज का तारुफ बच्चे को देते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चे को के सामने ये सारे पैकेट्स रख देते हैं और उसके बाद हम उसको बताते हैं कि सबसे कम तादाद नहीं बोल रहे, नंबर नहीं बोल रहे, हम सिर्फ लफ्ज़ मकदार का तारुफ करवा रहे हैं। तो हमारा जो फोकस है वो मकदार के कम या ज़्यादा होने पे है। तो जब वो मकदार को देखेगा, मुख्तलिफ मकदारों को देखेगा और फिर उन मकदारों का जो आप बाहम तकाबुल है, कंपैरिजन है कि किस में ज़्यादा है, किस पैकेट में ज़्यादा है और किस पैकेट में कम है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्टिविटी का सिर्फ और सिर्फ यही है। तो हम ये दिखा रहे हैं कि ये सबसे कम, इसमें ज़्यादा हैं, इसमें कम है, ये ज़्यादा है। इन दो पैकेट्स में अब इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। अब इन दो पैकेट्स में इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। अब इसी तरह से इस पैकेट में कम है और इसमें ज़्यादा है। अब चूंकि यहाँ पर ज़्यादा मकदार है तो बच्चे को थोड़ा सा वक्त दीजिएगा ताकि वो तसल्ली से देख सके कि इसमें कम और ज़्यादा क्यों है। तो जो बुनियादी मकसद है इसमें लफ्ज़ कम और ज़्यादा, इन दो अल्फाज का तारुफ देना मकसूद था। अब हमारे पास ये मकदारें, पांचों की पांचों मकदारें मेज़ पे मौजूद हैं। अब हम बच्चे को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल हैं वो मुझे दे दो। हमने जो सबसे ज़्यादा मकदार वाला पैकेट हमें बच्चे ने दिया वो हमने रख दिया और बाकी के जो मकदारें हैं उनको हमने अलग से मेज़ पे रखा हुआ है। अब उसके बाद हम उनसे ये कहते हैं कि इसमें ये जो बाकी के पैकेट्स हैं इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा हैं
वो पैकेट मुझे दो, और उसके बाद उस पैकेट को हम ला के पहले वाले पैकेट के साथ रख देंगे। पहले से रखे हुए पैकेट के साथ हम इस पैकेट को रख देते हैं जो बच्चे ने हमें दिया। अब ये जो बाकी के पैकेट्स बचे हैं, बच्चे से ये कहा जाए कि इसमें इन पैकेट्स में से जिसमें सबसे ज़्यादा हैं वो मुझे दो, और उसको लेके पहले वाले दो पैकेट्स के साथ रख दिया जाए। पहले से मौजूद दो पैकेट्स के साथ अब हमने इस पैकेट को रख दिया, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। अब इन दो पैकेट्स में से इन पैकेट्स में से जिसमें ज़्यादा है वो दे दो। पहले से मौजूद तीन पैकेट्स हैं, और अब जो पैकेट हमें बच्चे ने दिया उसको हमने यहाँ रख दिया। अब पोजीशन क्या है? कि हमारे पास सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। अब जो आखिरी पैकेट बचा है, इस पैकेट को हम इन पैकेट्स के साथ रख देते हैं। अब आखिरी पैकेट जो बच्चे ने हमें दिया, उसने हमने उसको यहाँ इस तरतीब से रख दिया। अब हमारे पास जो पोजीशन है कि सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम। अब आप यही एक्टिविटी बच्चे से दोबारा करवाते हैं। पहली दफ़ा तो आपने उसके साथ मिलकर किया, अब बच्चा उसको ख़ुद से करता है, और फ़र्ज़ करें कि वो इस क्वांटिटी को सबसे ज़्यादा मानता है, और उसके बाद ये जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से बनाता है। अब आप देखिए कि उसने जो तरतीब बनाई वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन तमाम असातिज़ा और वालदैन के लिए है जो बच्चों को मैथ्स ख़ुद से पढ़ाते, कि आपने बच्चे को ये नहीं कहना कि आपने गलती की है, आपने वो जो रूल है सिर्फ उस रूल का ज़िक्र करना है और बार बार करना है। अब रूल क्या है? सबसे ज़्यादा, उससे कम। उससे कम, उससे कम, और उससे कम। सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और इससे ये ज़्यादा है। अब चांसेस इस बात के हैं कि बच्चा ख़ुद से अपनी गलती को समझ लेगा और उसको नहीं 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 ये नहीं ये ये ऐसे ये यूँ आएगा, और वो अपनी गलती को सही कर ले। प्रेफरेबली अगर तीन से चार बच्चों का ग्रुप ये एक्टिविटी कर रहा हो तो ग्रुप के बीच में से बच्चों को एक दूसरे से गाइडेंस मिल जाती है और वो अपनी गलती को दुरुस्त कर लेते हैं। जब वो अपने तौर पे गलती को दुरुस्त करते हैं तो उनको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन जब उनको उस्ताद बताता है कि तुमने ये गलत किया तो उसको एक झटका सा ज़रूर महसूस होता है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि उनका अपना सिस्टम मजबूत हो, और वो उनका सिस्टम उनको ख़ुद से बताए कि उसमें अगर कोई गलती है तो उस गलती को किस तरीके से ठीक किया जाएगा। जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी साइज़ है, उसके साथ नंबर्स को एसोसिएट करते हैं। अब ये जो क्वांटिटी साइज़ है, इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज़ वन हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर।
एक मोटरबाइक, एक शिप, एक ट्रैक्टर। अब ये जो आवाज है, एक ट्रैक्टर, एक शिप, एक मोटरबाइक, एक हेलीकॉप्टर, तो ये जो एक है ये क्वांटिटी साइज को जाहिर कर रहा है। अब जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ये है दो हेलीकॉप्टर, दो मोटरबाइक्स, दो शिप और दो ट्रैक्टर्स। यानी आपको जो क्वांटिटी साइज है, दो 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 और दो वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं। तीन हेलीकॉप्टर्स, तीन मोटरबाइक्स, तीन शिप्स, तीन ट्रैक्टर्स, चार शिप्स, चार ट्रैक्टर्स, चार मोटरबाइक्स, चार हेलीकॉप्टर्स, पांच मोटरबाइक्स, पांच शिप्स, पांच ट्रैक्टर्स, पांच हेलीकॉप्टर्स। अभी एक्टिविटी की है, आपने देखा कि उसमें हमने किसी किस्म का सिंबल जाहिर नहीं किया और इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ एक आवाज़ क्वांटिटी साइज को एक मखसूस आवाज़ से मुंसलिक किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली एक्टिविटी में हम बताते हैं कि हम सिंबल कैसे शो करते हैं। हमारे पास ये जो सिंबल है, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ वन, एक को हम ऐसे जाहिर करते हैं। अब हम ये कहेंगे एक शिप, एक ट्रैक्टर, एक मोटरबाइक, एक हेलीकॉप्टर। आप देख सकते हैं कि हमने अब वन की कैटेगरी बना दी कि वन में हमारे पास ट्रैक्टर है, मोटरबाइक है, हेलीकॉप्टर है, शिप है, और ये तमाम जो अशिया हैं इनकी जो मकदार का जो साइज़ है वो एक है। इसी तरह से ये जो दो की कैटेगरी है इसमें आपको दो शिप नज़र आ रहे हैं, दो मोटरबाइक्स नज़र आ रहे हैं, दो ट्रैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, दो हेलीकॉप्टर्स नज़र आ रहे हैं। तीन के सिंबल में आपको तीन तीन शिप नज़र आ रहे हैं, तीन मोटरबाइक्स नज़र आ रहे हैं, तीन हेलीकॉप्टर्स नज़र आ रहे हैं और तीन ही आपको ट्रैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। चार के केस में अब देखिए हमारे पास चार ट्रैक्टर्स, चार हेलीकॉप्टर्स, चार मोटरबाइक्स, चार शिप्स। पांच की कैटेगरी में पांच शिप, पांच हेलीकॉप्टर्स, पांच
मोटरबाइक्स 5, ट्रैक्टर्स। आप देखिए कि हमने जब ये 5 वाली जो क्वांटिटी है इनको ख़ास तौर पे हमने इस पर ये तवज्जो दी कि वो कि क्वांटिटी जो है ये मकदार जो है वो निखरी हुई नज़र आए ताकि बच्चे को आसानी से दिखाया जा सके। हमने नंबर्स के साथ क्वांटिटीज़ को एसोसिएट कर दिया, एक मोटरबाइक, दो मोटरबाइक्स, तीन मोटरबाइक्स, चार मोटरबाइक्स, पांच मोटरबाइक्स। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अब हमने जो नंबर्स हैं 1 से लेके 5 तक उनके साथ जो रिलेटिव क्वांटिटी है वो हमने शो कर दी है। और हम ये समझते हैं कि हमारा जो सबक का ये हिस्सा था कि जिसमें हम क्वांटिटी साइज़ को नंबर्स के साथ एसोसिएट करना है उसका एक हिस्सा तमाम हुआ। आज की वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप असातिज़ा से और पेरेंट्स से एक ख़ुसूसी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देखिए कभी आप YouTube पे जाइए और देखें कि जो बहुत ऊंची बिल्डिंग्स जानी होती हैं 60 मंजिला, 70, 80, 90, 100 मंजिला, आप देखें कि उसकी जब बुनियाद बनाई जाती है तो उसके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तगड़ा होती है और कितनी छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर काम किया जाता है ताकि इमारत इतनी मजबूत हो कि जलजले से, हवा के थपेड़ों से, मौसमी असरात से महफूज हो। तो आप बच्चे को मैथ सिखा रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग के टूल्स हैं जिसके इस्तेमाल करके बच्चे ने सारी ज़िंदगी फैसला साजी का काम करना है। तो जब आप इन टूल्स को दें तो मोहब्बत से, सब्र से और शफकत से बच्चे को वक्त दें, उसको मुशाहिदा करने का मौका दें, उसको सवाल करने का मौका दें। आपको अगर आपके पास सही जवाब नहीं है तो आप कह दें कि मुझे मालूम नहीं है, मालूम करके बताऊंगा या बताऊंगी। उनको और वो एतमाद दें, स्किल्स जो है उसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी में एक एतमाद आएगा। लेकिन अगर ज़रा सी बेसब्री की और ये फिक्रा आपके मुंह से निकला जल्दी करो, आपने बच्चे का शौक, उसकी जस्तजू, उसकी दिलचस्पी, उसको एक फिक्रा उसको तबाह करने के लिए, आपकी एफर्ट सबको तबाह करने के लिए काफ़ी। ये मैं अपनी 45 साल तदरीसी ज़िंदगी का नचोड़ आपको बता रहा हूँ। ये इससे ज़्यादा तबाह कुन फिक्रा और नहीं है। बच्चों के अंदर स्किल डेवलप कीजिए, तेज़ी सिस्टम का हिस्सा है जो कुदरत ने वदियत की हुई है, उसके लिए आप परेशान ना हो। आप स्किल दें, फिर उसके बाद आप ख़ुद देखें कि वो कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और कैसे कैसे रिजल्ट्स लेके आए। आप SOPs को फॉलो करें, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है। मैं आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स दे रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट्स नहीं दे रहा, मैं आपको तफसीलात के साथ ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, क्योंकि आप एक पौध को परवान चढ़ाने का काम कर रहे हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।